दोस्तों आप लोग ट्रेडमार्क का नाम सुने हैं। अगर आप लोग बिजनेस करना चाहते हैं ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर या आपका कोई भी ब्रांड है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांड रजिस्ट्रेशन करना या फिर बोलते हैं उसको जो अपना ट्रेडमार्क लेना जिससे कि आप बिजनेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लिपकार्ट पर सेलर बनना चाहते हैं या अमेजोन पर, तो आप लोगों को GST के साथ साथ ब्रांड रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता होती है। तो वो आप कैसे लेंगे, कैसे सर्च करेंगे, बहुत ही ईजी मेथड है। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू बी एन टेक चैनल में, मेरा नाम बीएन झा। तो लेट्स बी स्टार्टेड। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब्स फ्रॉम ऑनलाइन, ऑनलाइन अर्निंग मेक मनी ऑनलाइन और ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज के लिए चैनल देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। कहीं जाना नहीं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर देना। दोस्तों फिर मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को, जो ट्रेडमार्क आप कैसे लेंगे, ट्रेडमार्क के लिए आपको क्या आवश्यकता होती है। एक लोगो की आवश्यकता होती है और आपका एक नाम होता है। लेकिन उस नाम से अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन कर चुका है, कोई रजिस्ट्रेशन पहले से ही ले चुका है, तो वो उस नाम से आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा, जिसको ब्रांड रजिस्ट्रेशन बोलते हैं वो नहीं मिलेगा। तो उसे सर्च कैसे करेंगे, उसे सर्च करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। जस्ट एक साइड है, उस साइड पे जाके आपको अपना नाम, जो भी आपने माइंड में सोचा है, जो भी आपने बिजनेस से रिलेटेड नाम सोचा है अपने बिजनेस का, अपनी कंपनी का, अपने फार्म का, वो डालना है वहां पे और सर्च करना है जो ये किसी ले चुका है, कोई ले चुका है इस नाम को या अभी तक नहीं लिया है। अगर किसी ने उस नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा, ट्रेडमार्क नहीं लिया होगा, तो वो आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। इसके लिए हम लोगों को CA को कॉल करना पड़ता है, अकाउंटेंट को कॉल करना पड़ता है। बार बार हम उसको बोलते हैं, भाई मुझे बता दो, सर मुझे बता दो जो ये ट्रेडमार्क मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग घर बैठे अपने फोन पे, स्मार्टफोन पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर स्क्रीन पर कर सकते हो। बहुत ही इजी मेथड है। तो इसलिए आप लोगों को मैं ले चलूंगा मोबाइल स्क्रीन पे। चाहो तो लैपटॉप पे ले सकता हूं, लेकिन लैपटॉप पे नहीं, डेस्कटॉप मोड जो साइड में होती है उसे ऑन कर देना। मोबाइल स्क्रीन पे ही आपको बताऊंगा जो आप अपने ब्रांड, जो नाम है आपका ब्रांड का, तो आप लोगों को जिस नाम से ट्रेडमार्क लेना है, जिस नाम से अपना ब्रांड रजिस्ट्रेशन करना है, वो आप किस साइड से लोगे, इसलिए आपको मोबाइल के स्क्रीन पर ले चलूंगा। और कौन सी ऐसी साइट है जहां से आप सर्च कर सकते हो इस नाम से ब्रांड रजिस्ट्रेशन किसी ने लिया है नहीं लिया, बहुत ही इजी है, बहुत ही मेथड है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको घर में नेट होना चाहिए, फोन होना चाहिए, आप कर सकते हो। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, जान लेते हैं कैसे हम लोग सर्च करेंगे। दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं हम। गूगल क्रोम खोल लेंगे और गूगल सर्च कर लेंगे। जैसे ही हम गूगल जैसे खुल लें, आप गूगल खुलने के बाद इस पर टैप करिए 3 बटन पे और डेस्कटॉप मोड पर साइट पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है, ट्रेडमार्क ही लिख दो आप, आ जाएगा। ट्रेडमार्क लिख दोगे यहाँ पे आप, देखिए ट्रेडमार्क सर्च, ठीक है, आपको कुछ नहीं लिखना है, ट्रेडमार्क सर्च लिखना है। और जब ट्रेडमार्क आप सर्च लिख देंगे तो ये पहला ही लिंक आएगा, इस पर आप क्लिक करो, ठीक है। पहले लिंक पे ही गूगल पे जाकर क्लिक करना है। वैसे इसको IP इंडिया ऑनलाइन बोलते हैं, IP इंडिया ऑनलाइन.gov.in इसका साइट है, मैं डिस्क्रिप्शन में साइट का नाम दे दूंगा। अब देखो फ्रेंड्स, आपको जिस नाम से ट्रेडमार्क लेना है या जिस नाम से आपको अपना ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवाना है, जो भी कंपनी या फर्म का नाम है, तो इसमें ये स्टार्ट विद लिखा हुआ है। आपको इसमें कंटेंट्स या मैच विद लिखना है, चलिए मैच विद कर देता हूँ। और आपको सर्च करना है, जैसे कि आपको इसमें नाम लिखना है, जो भी आपका नाम, जैसे कि मैं अगर फॉर एग्जांपल एक लेता हूँ, लाइफ टाइम फैशन फैक्ट्री, ये मैंने एक लिया एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है, आपको एक बार ध्यान रखना है, जो इसमें आपको क्लास ढूंढना है। क्लास मतलब आप किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हो, बिजनेस में आपका कौन सा ब्रांड है, किस चीज़ का आपका काम है, पर्पस क्या है। जैसे क्लॉथिंग बिजनेस है, कुछ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, कुछ एक्स्ट्रा है, फॉर्च्यून की दुकान है, क्या है उससे रिलेटेड आपका मैन्युफैक्चर हो, क्या हो, ये किस चीज़ का काम है, वो देखना है। उसके लिए आपको क्लास डिटेल पर क्लिक करना पड़ेगा। जब क्लास डिटेल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों क्लास फाइंड करना पड़ता है। क्लास पे डिटेल पे हम जब क्लिक करेंगे, क्लास डिटेल पे क्लिक करने के बाद चाहो तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे सर्च टर्म है, मैं यहाँ पे 1 से 45 होता है, क्लॉथिंग लिखता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे सर्च बटन आपका जो भी काम है, जो भी पर्पस है बिजनेस का, वो आप लिख सकते हो इस पे नाम, और यहाँ पे सर्च कर सकते हो वो कौन से क्लास में बिलोंग करता है। जो हम सर्च करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, और जैसे ये सर्च होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये सर्च ऑप्शन में हो गया, अब देखिए आ गया क्लास 1 में गुड्स में क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, केमिकल सब्सटेंस, क्लास 3 में क्या पड़ता है, क्लास 5 में क्या पड़ता है, सारे क्लास दे दिया इन्होंने, ठीक है। 37, 39, 40, 42, 45 क्लास है, ठीक है। तो देखिए 25 में क्लॉथिंग है,
अब मैंने क्लॉथिंग डाला, क्लॉथिंग कौन सी क्लास में पड़ता है, तो अपने आप आ गया 25 में क्लॉथिंग है, क्लॉथिंग में कौन कौन से क्लॉथ है ये दे रखा है, वेदर प्रूफ डॉट जो भी है यहाँ पे, कॉलर ठीक है, या आप देख सकते हो जैकेट्स, तो ये इस टाइप के क्लॉथिंग के सारे आ गए। तो ऐसे ही आप क्लास अपना सर्च कर सकते हो अपने बिजनेस का मोड डाल के, जो को भी कौन सा बिजनेस आपका है ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, क्या तरीका है, आप यहाँ पे एंटर क्लास एट अ टाइम ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लास एंटर कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है तो मैं कर लूँगा, पता नहीं है तो मैं यहाँ से क्लास सर्च करूँगा। तो चलिए यहाँ पे मुझे पता है 25 क्लास में मैं बिलोंग करता हूँ, मैं ये क्लॉथ के डाला हूँ, तो 25 डाल दूंगा और यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब ये देख सकते हो आप, जैसे ही मैंने सर्च बटन पे क्लिक किया तो क्या आ रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड। अगर किसी ने इस नाम से ले रखा होता तो यहाँ पे आ जाता, लेकिन अभी किसी ने इस नाम से नहीं लिया है तो जीरो आ गया, मतलब इस नाम से मुझे मिल जाएगा। अगेन मुझे सर्च करना पड़ेगा किसी और नाम से, तो नेक्स्ट सर्च कर लूँगा, और नेक्स्ट सर्च करने के बाद यहाँ पे मैं कंटेंट्स डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वही सेम लाइफ टाइम फैशन, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट डालता हूँ थोड़ा ठीक है, लाइफ टाइम फैशन ही डालता हूँ, और यहाँ पे मैं 25 डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। अब देखिए मैंने इसको सर्च किया, अब सर्च करते के साथ ये आ गया है कि लाइफ टाइम वर्ड मार्क, लाइफ टाइम फैशन प्रोपराइटर ज्योति आर्या जो भी है एप्लीकेशन, इन्होंने रजिस्टर कर चुके हैं, ये ले चुके हैं इस नाम से। अब इस नाम से कोई ले चुका है तो इस नाम से मुझे नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो आप जिस नाम से लेना चाहते हो वो नाम फाइंड आउट करने के लिए आप उस नाम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको ipindia.online.gov.in पे सर्च करके ऐसे देखना है। और मैंने आपको क्लास का बता ही दिया है, जो आपको क्लास पे बस क्लिक करना है, और जब क्लास पे क्लिक हो जाएगा तो आप जो भी देखना चाहो क्लास, जो आपका किस क्लास में बिलोंग करता है वो आप देख सकते हो ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, अगर वीडियो में स्टिल कोई डाउट कोई इश्यू है तो कमेंट सेक्शन में खाली है, कमेंट करिए, रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मोबाइल स्क्रीन पर बहुत ही इजी मेथड से आप जिस नाम से ट्रेडमार्क लेना चाहते हो या ब्रांड रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो अपने कंपनी या फार्म का, वो हम कैसे सर्च करेंगे, बहुत ही इजी मेथड था। तो उसमें बहुत सारे क्लोज दे रखा है जो मैंने आपको बता दिया, उस क्लोज में आप क्लास में सॉरी देख लेना, जो कौन से क्लास में आप उसमें डिफाइन करते हो अपने आप को, आपका फॉर्म डिफाइन करता है, बस वही डालना है और आपको सर्च कर लेना है, बहुत इजी मेथड है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, जो अगर आप ऑनलाइन तो ये नहीं कर सकते तो वकील से कराना पड़ता है, बट GST अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो खुद तो कैसे करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए। अगर घर बैठे आप GST करना चाहते हो अपने फर्म का, घर बैठे अपने फोन से अपने लैपटॉप से, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पैसा ही बचेगा टाइम बचेगा, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं जरूर इस पर वीडियो बनाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कम से कम 100 होना चाहिएगा, ये आप टारगेट दे रहा हूं आप लोगों को। आप लोग आप भाई को सपोर्ट करिए, प्यार करिए, वीडियो चले तो लाइक करके शेयर जरूर करिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।